उद्धव भी ठीक भगवान जैसे ही लगते हैं, आजान उलंबित बुझाए हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं उद्धव जी, भगवान के महामंत्री हैं, इसलिए उद्धव जी को भेजा है बद्रू। उद्धव जी रथ पर बैठा करके कहा कि आप जाइए। उद्धव जी गए हैं और जैसे ही यमुना को पार किया है उसी समय सबसे पहले गैयाओं ने देखा क्योंकि मित्रों जैसा गाय में प्रेम होता है ना ऐसे अपने घर वालों में भी प्रेम नहीं होता। गाय को पाल करके देखना, गाय जितना प्रेम करती है ना अपने मालिक से, क्योंकि उसकी सानिध्य में रहोगे तो आपको पता लगेगा। क्योंकि मैं 7 साल मैंने स्वयं गाय को रखा, उसी रूम में मैं सोता था, उस समय इतना बड़ा मकान भी नहीं था, तो मेरे तखत के पास में ही वो बनती थी। अच्छा छोटे से पाला था तो हर प्रतिक्रिया को वो मेरी समझती थी, मैं उसको, पंडिताइन भी थी वो भी जानती थी क्योंकि सेवा हम दोनों करते थे। तो रात को अगर 2 बजे वो खड़ी हो गई तो खड़े होकर के उसका मुख मेरे कंधे पर रखती थी, मुझको चद्दर तानती थी, चद्दर तान देती। मैं समझ जाता कि ये किसी कारण से या तो भूखी होगी इसलिए, भाई कभी कभी होती। मैं थोड़ा उसके गले में सहलाता उसको और फिर मुंह रख करके, और वो वास्तविक कितना प्रेम, उसकी जो श्वास थी ना, श्वास बताती है, श्वास बता देती है कि ये मुद्रा क्या है, ये गाय की विशेषता होती। तो मैं ठाकुर की चर्चा करता रहता उससे कि क्यों, कामनी नाम था उसका, तो अब नींद मेरी भी खुल गई, वो सोने देगी नहीं मुझको पता जब तक ये बैठेगी नहीं। तो मैं उससे सहलाता जाता, उससे बात करता ठाकुर जी के, कभी नाम जप कर रहा हूं कभी कुछ कर रहा। तो वास्तविक एक ऐसी गंभीरता में वो चली जाती थी कि उसकी आंखों से पता लग जाता था कि ये क्या कह रही है। मैं ये तक करता था कि देखो उसको लघु शंकर जैसे गोमूत्र करना है, तो मैं बाल्टी उठाता तो वो समझ जाती, और समझ जाती तो उसको करना है तो मैं जैसे ही लगाता तो करता, क्योंकि वहीं करेगी तो पूरा गंदा होगा, इसलिए मैं बाल्टी में ही कर देता। वो नहीं करना तो वो मना कर देती कि मरी, उसकी प्रतिक्रिया से पता लग जाता कि हाँ ये नहीं करेगा, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गोविंद ने जिनको, गोविंद जिनसे प्रेम करते हैं वो साधारण नहीं होगी। तो इसलिए बंधुओं आज वो गैयाओं ने प्रथम बार कृष्ण को देखा, कृष्ण के रथ को देखा। आज गोल ग्वाल वाले बछड़े को चराने के लिए जब ले गए वृंदावन के जंगलों में से, जब रथ आते हुए देखा तो गैयाओं को लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। क्योंकि भगवान ने एक दिन तो बछड़ा बनकर के उनको दूध को पिया ना, 1 साल तक ये लीला की। गैयाएं कहती हैं हम तो गाय बनकर के इसलिए आए थे कि कभी कृष्ण हमारे बछड़े बनेंगे। भगवान ने अघासुर जब लीला की तो भगवान स्वयं 1 साल तक बछड़े बने और गैयाओं को दुग्ध पान करते रहे। आज गैयाओं को तृप्त किया, इसलिए गैयाओं ने सबसे प्रथम देखा और दौड़ लगा दी ऊंची पूछ कर करके कृष्ण के जो रथ है, रथ की ओर, और गैयाओं को दौड़ते हुए एक साथ हजारों की संख्या में जब गाय दौड़ती है तो ग्वाले को जो चराने वाले हैं उनको, उन्हें कहा कि क्या हो रहा है, एक साथ कहां भाग रही है। और जैसे देखा तो धूल में से भगवान के जो रथ है उसकी पताका दिखी, तो सब मित्रों ने कहा मधुमंगल श्रीदामा, अरे भैया, अरे मधुमंगल श्रीदामा सबलो
इस तो को ऐसा लगता है कि कन्हैया आ गए। देखो आज गैयाएं भाग रही हैं क्योंकि कृष्ण की सेवा, कृष्ण को देख लिया है उन्हें। चलो चलो कृष्ण आ गए, चलो चलो कृष्ण आ गए, चलो भैया अपना कनुआ आ गया, चलो। सबने उन्हें भी बगैर विचार किए वो दौड़ लगा दी रथ की ओर, और जैसे ही रथ की ओर दौड़ लगाई, गैयाएं रथ के पास पहुंची, धूल इतनी उड़ रही है कि दूर से उद्धव जी नहीं दिख पा रहे हैं, मगर पास में जाकर के गैयाओं ने देखा तो गैयाएं उदास हुई। ग्वाल वालों ने देखा कि अरे कृष्ण नहीं है, उसके बाद ग्वाल वालों ने देखा कृष्ण नहीं है, मित्र हैं शायद, उन्हीं जैसा स्वरूप है भगवान के मित्रों ने कहा। अभी तक उद्धव जी मिले नहीं है तो उद्धव गौर से देख रहे हैं, और भगवान चूंकि उद्धव से चर्चा करते थे तो जैसे उद्धव ने देखा, उद्धव को ग्वाल वालों ने देखा तो प्रणाम किया। उद्धव उतर करके आए रथ से, सब मित्रों की ओर देखा, सबकी आंखें भरी हुई है, आंसू छलक रहे हैं मित्रों के, गैयाओं की आंखों में अश्रुपात हो रहा है। आज जो है उसी समय उद्धव जी ने जब ये माफी, ऐसा लगता है कि आपका नाम श्रीदामा है पंडित जी, आप मधुमंगल है जी? जी श्रीदामा ने कहा, सब अपना परिचय दिया, हमको लगा कि कृष्ण आ गए, मगर आपका भी स्वागत है। भगवान के मित्रों ने कहा, उद्धव ने कहा कि आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई, मगर मुझे जाना है नंदपुर, और बताइए कि नंदपुर कहां से जाऊं मैं। भगवान के मित्रों ने कहा, यहां से जाओगे तो सामने एक जल की धारा दिख रही है, उस जल में काली मां है, उस जल के कगर कगर चले जाना तो तुम नंदपुर पहुंच जाओ। क्यों क्यों, वो जल कहां से आ रहा है? बोले वो मत पूछिए आप। नहीं नहीं मधु, जल कहां से आ रहा है वो? बोले वो मैया के गोपांगनाओं की आंखों का जल है, और आंखों में काजल लगा हुआ इसलिए काली मां है उस जल में। आप उसके कगर कगर जाओगे तो नंदपुर पहुंच जाओगे। रथ आगे बढ़ा है, रथ की आज प्रातःकालीन से लेकर के बार बार कौआ आता है, कौआ आकर के छत की मुड़ेर पर बैठता है, गांव गांव करता है, मैया यशोदा दौड़ करके आती है, मैया की आंखों से सुबंद नहीं होते, अरे कागा घर में जब कौआ बोलता है हमारे छत घर पे ऊपर बैठ करके, तो हम ऐसा लक्षण मानते हैं, और उसका लक्षण है शास्त्र में कि कोई हमारे यहां मेहमान आ रहा है, यही है ना उसका लक्षण। मैया गई, बार बार कागा बोल रहा है, ऐसा लगता है कि कृष्ण आएंगे। मैया गई, कागा से बात करती है, अरे कागा अगर मेरा कृष्ण आ गया ना तो देख मैं तुझको सोने के पिंजरे में रखूंगी, तुझको दूध भात खिलाऊंगी अगर तू सही खबर लेकर के आया है। उसी समय छम छम की आवाज हुई कि घोड़ा रथ जो चल रहा है ना, रथ की टापों की आवाज हुई, तो ऐसा एक क्षण मैया को लगा कि कृष्ण आ गए। मैया ने नंद बाबा को, अरे मेहर सुनिए, अरे कहां चले गए आप, दौड़ करके आए ना। मैया कागा से भी बात कर रही, नंद बाबा आ गए, देखो देखो ऐसा लगता है कि कृष्ण रथ पर आ रहे हैं क्या कन्हैया। जैसी आवाज सुनी, हाँ हाँ, नंद बाबा ने कहा ऐसे ही लग रहा है, बाबा वहां खड़े नहीं रहे, दौड़ करके रथ की ओर, वहां से रथ चला आ रहा है। मैया की आंखों में उतनी दूर का दिखता नहीं है आंसुओं के कारण, मैया की आंखें कभी गैर आंसुओं
रुकी नहीं रहती, कंटिन्यू आंसू निकलते हैं, मैया को दिख नहीं रहा है, ऐसा लगता है कन्हैया आ गया। काका अगर सही बात हुई तो निश्चित है कि मैं तुझको दो रोटी निश्चित खिलाऊंगी रोज, अगर मेरा कृष्ण आ गया है तो। इसलिए रथ आया, आकर के रुका, मैया को एक क्षण इतनी प्रसन्नता हो गई, लगता है कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। बाबा गए दौड़ करके रथ की आगे, रथ को देखा, और रथ के बाद जब रथी को देखा तो उद्धव जी हैं, तो प्रसन्नता तो हुई, मगर लग रहा था कि कृष्ण आने वाले। अच्छा अच्छा उद्धव जी, उद्धव, उद्धव जी ने देखा बाबा प्रणाम, तुरंत उतरे रथ से नंद बाबा को, नंद बाबा ने उनको स्वागत किया, नंद बाबा ने आइए आइए, उद्धव जी का हाथ पकड़ करके नंद बाबा ले गए। उद्धव जी ज्ञानी पुरुष हैं, वो ले जा करके मैया, मैया ने कहा, मैया ने देखा कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण नहीं कोई दूसरा है। एकदम से लहर तो आई मैया के हृदय में, प्रेम की, आनंद की, कुछ क्षण के लिए मैया को ऐसा लगा पहली बार जब से भगवान गए हैं, मगर पता लगा कि उद्धव आए हैं। नंद से पूछा, रे मेहर कौन है? बोले कृष्ण तो नहीं आए मगर अपने मित्र उद्धव। अच्छा अच्छा, उद्धव जी आए मैया को, मैया प्रणाम, उद्धव जी का स्वागत किया मैया ने, आइए उद्धव। चर्चा चलने लगी, बाबा ने, मैया ने कहा कन्हैया कभी याद करता है? आगे पूछा वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसे हैं? जब कृष्ण का नंबर आया, कृष्ण कैसे हैं, कभी कभी वृंदावन की याद आती है उनको? अरे उद्धव, मैया ने कहा जिस दिन से कृष्ण गया है उस दिन से हमारा सब कुछ लुट गया, अब जीवन जीवन जैसे नहीं लग रहा है। इतना कहकर के नंद बाबा की आंखें में से अश्रु निकलता है, सफेद और सफेद दाढ़ी में विलीन हो जाता है। मैया को भी इतने जोर से रोने की इच्छा होती है, मां अपना आंचल मुंह में लगा करके अंदर की ओर चली जाती है। उसी समय गोपांगनाओं को पता लगता है रथ आया है, दौड़ करके गोपांगनाएं जाती हैं, दौड़ करके आती हैं भगवान के रथ के पास, और जैसे गोपियों को देखा तो उद्धव जी ने उद्धव की ओर देखा तो उद्धव जो भगवान ने सबको पत्र लिखे हैं वो एक उसमें रखे हैं, गोपांगनाओं से कहा ये पत्र भेजा है, भेजे भेजे मन भावन की, भेजे मन भावन की उद्धव की आवन की, सुधी प्रज ग्वावन में पावन जबे लगी, कह रतना कर ग्वालन की जोर जोर, दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगी, उझक उझक पद कंजन के पंजन पर, पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सब तबे लगी, हमको हमारा पत्र आया है, क्या लिखा है, हमारे लिए खबर आई है, सबको गोपांगनाओं को पत्थर दिए, और उसी समय गोपांगनाएं उद्धव जी को राधा रानी के पास ले गई, और जब राधा रानी के पास ले गई बंधुओ तो वहां जितने वृक्ष लगे हुए हैं सब में मुरझाए हुए जैसे वृक्ष हैं, राधा रानी के प्रेम के विरह में मन वो मुरझा गए हो वो वृक्ष, मालती के, केसकी के, कदंब के, आम के, जूही के वृक्ष लगे हुए हैं, बदु सब ऐसा लगता है कि कुमला गए हों,
क्योंकि भगवान श्याम सुंदर जब से गए हैं तब से केवल राधा रानी प्रेम के विरह में बंधु। राधा रानी तो माने साक्षात लकड़ी की मूर्ति हो गई हूं, इस प्रकार से राधा रानी रहती हैं। क्योंकि राधा रानी को रोने के लिए भगवान ने मना कर दिया तो रो सकती नहीं है राधा रानी, इसलिए बंधुओं बहुत। और जैसे ही उद्धव ने देखा तो उद्धव की बड़ी स्थिति विचित्र हुई। उसी समय एक घोड़ा उड़ते हुए राधा रानी की ओर आया तो राधा रानी उससे बात करती हैं, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। राधा रानी कहती हैं, अरे भ्रमर, चरणों की ओर आ रहा है राधा रानी की भ्रमर एक भौरा। राधा रानी कहती हैं, अरे भ्रमर, देखो मैंने काली से बात करना छोड़ दिया है, मैं काली से बात नहीं करती, क्योंकि काला जो है ना वो बात करने योग्य नहीं है, वो हर समय धोखा देता है। मधुब के तब तब बंधो मा प्रशांगीश पत्निया। अरे मधुकर, उस अपने रंग वाले से कहना कि जिन गोपियों ने सब सर्वस्व त्याग कर दिया तुम उसको छोड़कर के यहां से चले गए, कितने कृतज्ञ हो तुम। अरे मधुकर, अरे कृष्ण दूत, उसका स्वभाव अभी तक नहीं बदला है, हमको छोड़कर के नरमोही चला गया। उसका स्वभाव जो है वो चंचलता भी नहीं गई, क्योंकि प्रीत कर करके और चले गए हमारे जीवन से कृष्ण, हम किसको बताएं। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। राधा रानी उसी से बात कर रही हैं, उसको समझा रही हैं। ओ मेरी लगे श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत बड़े प्रेम से तालियां क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने, तेरी लगे श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। जय हो जगन्नाथ स्वामी की, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए। श्याम की जब से भई बाबरिया मैं तो
तो तब से भई बाबरिया मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से ये कैसे पागल प्रीत दुनिया श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने जय हो जगन्नाथ स्वामी की दुनिया ना जाने मैं तो गाऊं खुशी
श्याम संग प्रिय चली आ रही हूँ गोपियां बोली अब बाजे उठा संग स्मरण में केवल कृष्ण रहता है। ताली बजाते हुए बहुत प्रेम से भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं दुनिया
क्या जाने, आज क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, अरे क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुख मिल गया मैं हुआ बीत दुनिया क्या जाने, मुख मिल गया मन का बीत दुनिया क्या जाने, मुख मिल गया मन का बीत दुनिया क्या जाने, मुख मिल गया मन का बीत दुनिया क्या जाने, हाथ उठा करके ओ मेरी लगे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, एक बार अपने हृदय की बात तो भगवान के सामने रखो, हाथ उठा करके कि वास्तविक ये जीव का कोई प्रेम करने वाला है तो एक पुरुषोत्तम नारायण भगवान जगन्नाथ, ओ मेरी लगे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। राधा रानी बात कर रही है, सभी गोपांगनाएं घेरे हैं, उसी समय उद्धव ने समझाना प्रारंभ किया, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, सगुण को ज्यादा नहीं मानते, जानते तो सब है, विद्वान है, और समझाते गोपांगनाओं को राधा रानी के सहित कि देखो परमात्मा कोई एक जगह नहीं होता, सर्वत्र है वो, तो उनके हाथ नहीं होता फिर भी वो भोजन करते हैं, जिह्वा नहीं है फिर भी रसस्वादन करते हैं, नाक नहीं है फिर भी सुगंध लेते हैं, पैर नहीं है फिर वो चलते हैं, बिना पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म कर विधि नाना, आनन रहिता सफल रस भोगी, बिन वाणी भगता भड़ जोगी, वाणी नहीं है फिर भी योगी है वो, तो वो तो सर्वत्र है गोपांगना, हो तुम एक एक देशीय क्यों बनाती हो, एक दृष्टि से एक जगह क्यों देखती हो तुम, ये बताइए, एक बार तुम्हारा मन अगर निर्गुण में लग जाए ना गोपियो, तो ये सब मोह माया छूट जाएगी तुम्हारी, रोना गाना सब बंद हो जाएगा, देखना ज्ञान में और प्रेम में चर्चा चल रही है, उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपांगनाएं प्रेमी हैं, ये महापुरुष हैं, ये महामंत्री हैं भगवान के, गुरु बृहस्पति के शिष्य, वेद वेदांतों का अध्ययन किया है 25 वर्षों तक गुरुकुल में रह करके, और गोपांगनाओं ने कुछ नहीं किया, केवल कृष्ण से प्रेम किया और जीवन भर अपने परिवार की सेवा की, दोनों में चर्चा चल रही है, अरे गोपियों मन एक ही होता है, और भगवान कहते निर्मल मन जन, अगर वो मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो निश्चित है कि तुमको शांति मिल जाएगी, और जैसे इतना उद्धव जी ने कहा तो गोपांगनाएं हंसने लगी, उद्धव जी ने कहा एक हंस क्यों रही हो, कोई हंसने की बात है, गोपांगनाओं ने कहा कि आप हंसी जैसी बात ही कर रहे हैं, उद्धव जी उधो मन न भये तसरीस, एक हो तो सो गौ श्याम संग ओ अवराध ईस, उधो मन न भये तसरीस, इसलिए अगर दो दस मन होते तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में हम लगा लेते,
मगर एक ही मन था वो कृष्ण हर कर के लिए गया। बताओ तुम्हारे ब्रह्म के लिए कहां से मन लाएं। और जैसे इतना कहा तो उद्धव जी के पांव की नीचे की मिट्टी खिसक गई। हैं, मन ही नहीं है, बताओ कैसे लगेगा भगवान। निर्गुण ब्रह्म में इसलिए जो है एक गोपी ने उंगली बता करके कहा कि सुनो उद्धव जी, आप महापंडित, मगर हमारी बात तो सुन लो। उद्धव जी ने कहा बोलिए। बोले कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम बिन नाई तिए, आंधे की शिला क्रियाधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाई सो भलाई सो भधाम है। ऊधो तुम भये बौरे पाती लेखे आए दौरे, जोग कहाँ राख यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राख यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपांगनाएं कहती तुम बोरा गए बाबरे होए गए तुम ज्यादा ज्ञान के कारण। बंधुओ ज्ञान में जीव बंधता है क्योंकि ज्ञान में गुण होता है। गुण माने रस्सी, ज्ञान में रस्सी है। सत्वम संजायते ज्ञानम, ज्ञान आ जाएगा जीव में, मगर ज्ञान आने के बाद ज्ञान में जो सुख है सुख की रस्सी से ये जीव बंध जाता है। इसलिए ज्ञान बंधन का कारण है मनो। प्रेम क्या है वो मैं अभी सूत्र बता रहा था नारद भक्ति सूत्र का, गुण रहितम। प्रेम में गुण नहीं होता इसलिए जीव बंधता नहीं है। प्रेम मुक्त रहता है जीव, गुण रहितम। इसलिए गोपांगनाएं कहती हैं और तुम कहते हो। एक गोपी बोली कि उद्धव जी आपको पता है कि हमारे श्री कृष्ण को निर्गुण क्यों कहते हैं। उद्धव जी ने कहा क्यों। बोले इसलिए कि संसार के जो तीन गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तमोगुण उनमें नहीं आता। रजोगुण तमोगुण तीनों गुण उनमें नहीं है क्योंकि गुण से हमारा शरीर बना है। उनका शरीर तो चिन्मय शरीर है इसलिए उनमें गुण ही नहीं है। ये तो निर्गुण की बात है। और जितने भी हैं उनमें दिव्य गुण है क्योंकि लोकल गुण कोई है ही नहीं। प्राकृतिक गुण उनमें है ही नहीं, प्राकृतिक शरीर ही नहीं है तो गुण कहां से आए। अब बताओ ये जो है गाय के कंडे को थोपने वाली गोपांगनाएं ये ज्ञान उद्धव जी को दे रही है कि भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी है कृष्ण। निर्गुण इसलिए है कि संसार के तीनों गुण उनमें नहीं है क्योंकि ब्रह्मा को उनने बनाया है। वही अंति यत सूर्य, ब्रह्मा जी उनकी माया में मोहित होते हैं। ब्रह्मा जी मोह में ब्रह्मा को मोहित किया ना भगवान ने। मगर भगवान ब्रह्मा जो है ना, रॉ मटेरियल तो भगवान ही देते हैं, तब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है ना। ब्रह्मा अपने जो मटेरियल थोरू बनाता है, मटेरियल दिया जाता है उससे पुतले बनाता है ब्रह्मा। मटेरियल तो भगवान देते हैं ना। पांच तत्व मन बुद्धि और अहंकार, जल वायु तेज आकाश, ये तो भगवान देते हैं। मन बुद्धि ये तीन हो गए आठ, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये आठ प्रकार के मटेरियल जब भगवान देते हैं तब ब्रह्मा निर्माण करता है। तो ब्रह्मा मटेरियल कहां से लाए, तो भगवान के है ना। तो इसलिए जो है भगवान का शरीर प्राकृतिक नहीं है, उनमें जितने भी हैं वो दिव्य गुण हैं, संसार की एक गुण नहीं है। एक गोपी बोली कि उद्धव सुनो, वो तो मथुरा वहां के राजा बन गए ना, द्वारिका मथुरा के राजा, इसलिए
राजा होने के कारण उनमें नाना प्रकार के जो है ना नाख नखरे हो गए हैं ना। यहाँ तो गैया चराते थे, यहाँ तो कारी कामर रखते थे। उधो मन माने की बात, देखो श्याम रहो वृंदावन, मुख धोवत नहीं आत। अब मथुरा को राजा भयो है, नौनो बेर नहात। उधो मन माने की बात, के मन में हमारे प्रति अगर प्रेम होता ना तो वो चले आते। प्रेम नहीं है, हम उनसे प्रेम करती हैं। वो तो निष्ठुर हैं, पाषाण हृदय हैं वो। और तुम क्या कहते हो कि ब्रह्म को हाथ नहीं होते, उसका मुख नहीं होता, उसकी आंखें नहीं होती, उसका पैर नहीं होता। तो ये बताओ कि जब हम मटकियां लेकर के उनमें दही दूध और मक्खन रहता था, और जब हम मथुरा बेचने जाती थी तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर के पत्थर कौन मारता था, मटकियों को कौन फोड़ता था। एक गोपी कहती, छक छोड़ा एक ग्वालन की, नित खाते हते बन में बन माली, रोकत है मग छाछ के कारण, देता हती हम ग्वालिन गारी। अब मथुरा के धीस भये, और नाम धरायो पीताम्बर धारी, वादिन की सुध भूल गए, जब ओणत हते पट कामरी कारी। अरे उद्धव आदमी का जब बहुत जब राजा बन जाता है ना, कोई स्थिति पर जब पहुंचता है ना, तो उसको अभिमान के कारण ये सब भूल जाता है, वो प्रेम इत्यादि। तो इसलिए उधो ये सब मनमाने की बातें हैं। उद्धव ने कहा कि ये बचाओ, तुम रोज जाती हो मथुरा, तो वहीं से मिल लिया करो ना कृष्ण से। ये रोने गाने का काम क्यों रखती हो, रोज मिल लिया करो। गोपांगनाओं ने कहा कि नहीं उद्धव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं, और वहां जाकर के हम मिलेंगे तो उनको तकलीफ होगी, वो तकलीफ नहीं देख सकते। हम अपने प्रेमी को कभी तकलीफ नहीं दे सकते। हम उनके पास जाएंगे और हमको कोई स्वर्ग मिल जाएगा, जरूरत नहीं है हमको ये दुनिया की किसी भी वस्तु की। नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हम खो, तुम्हारे ब्रह्म से भी कोई काम नहीं है, वो होंगे ब्रह्म, हम तो केवल कृष्ण को जानती हैं। नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हम खो, बैकुंठ किनारा जानी है। हमें बैकुंठ भी नहीं जाना। फिर बोले ब्रज की रज में रज भई खे मिले, यह प्रीति की रीत निभानी है। हमको तो अपना प्रेम निभाना है जो हमने कृष्ण से किया है। वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जब हमारी याद आएगी तो आ जाएंगे, हम उनको तकलीफ नहीं दे सकते। आसाम महो चरण रेणु जुषाम श्याम, वृंदावने किमपि गौलम औषधीना। आहा, यहां गोपांगनाओं ने गजब कर दिया, इसलिए भगवान गोपांगनाओं की ऋणी हो गए। उद्धव, जब हमको ब्रह्मा ने बनाया होगा तो पांच तत्व तो हमारे शरीर में लगे होंगे ना। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो जल है,
तो हमारे शरीर का जो जल तत्व है वो यमुना में मिल जाए, हम सब शरीर छोड़ें। इसलिए हम वृंदावन से दूर नहीं जाना चाहते। हमारा शरीर की जो मिट्टी तत्व है वो मिट्टी तत्व इसी रज में मिल जाए जिसमें कृष्ण खेलते थे, उस रज में मिल जाए, तब तो प्रेम निभाना होगा। अगर हम दूर हो गए कृष्ण से तो प्रेम निभाना क्या। हम कभी वृक्ष बन जाएंगे, कभी लता बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना वृंदावन में रहकर। हमारी आंखों का जो तत्व है, आंखों में तेज होता है, जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें तेज होता है, तो हमारा आंखों का तत्व यहां दीपक के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। कभी तो वृंदावन में कोई दीपक जलाएगा, हमारा तत्व उसमें मिल जाएगा। हमारा जो पांचों तत्व हैं, वो इसी ब्रज के रज में मिलना चाहिए। ब्रह्मा भी आकर के कहे कि चलो मैं तुमको स्वर्ग ले चलते तो हमको जरूरत नहीं, वैकुंठ की राह न जानी है, हम क्या करेंगे। इसलिए हमको नहीं जाना है, हमको केवल प्रेम निभाना है। राधा उन गोपांगनाओं के आंसुओं में, ये महर्षि उद्धव ऐसा खोया बंधु, ऐसा खोया कि 7 महीने तक उद्धव को ध्यान नहीं रहा। राधा रानी के चरण, राधा रानी तो मौन हो गई, तो गोपांगनाएं क्योंकि वो बोल ही नहीं पाती। ये गोपांगनाओं के जो आंसुओं की जो जल का समुद्र है उसमें ऐसी डुबकी लगाई उद्धव ने। भगवान से कहा था कि वो गैयाओं को चराने वाली वो गोपांगनाएं क्या समझ पाएंगी, मेरे ज्ञान को 1-2 घंटे में समझा करके आ जाऊंगा। मगर उद्धव 7 महीने तक नहीं लौट पाए। प्रेम की उस समुद्र में ऐसी डुबकी लगाई उद्धव ने कि 7 महीने बाद जब देखा तो राधा रानी के चरणों में पड़े हुए हैं उद्धव। मुंडन करवाया है, गौखुर रखवाया है, गोपी भाव लिया उद्धव ने, गले में तुलसी की माला। 7 महीने तक, 7 महीने बाद आज उद्धव जी को होश आया प्रेम के समुद्र में से। आज गोपांगनाओं की चरणों की वंदना नहीं कर रहे उद्धव जी महाराज। आज उद्धव जी गोपांगनाओं के चरण रज की वंदना कर रहे, क्योंकि चरण बंधन तो मेरे को मिलने में बड़ा समय लगेगा क्योंकि इतना प्रेम मेरे हृदय में नहीं है, मगर गोपांगनाओं की चरण रज मिल जाए वो भी बंधनी है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणु वितीक्षण यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं वंदना करता हूं उन स्त्रियों की, उन गोपांगनाओं की, और उनके चरणों तक तो मैं पहुंच नहीं सकता उद्धव ने कहा। पाद रेणु भी तीक्ष्ण सहा, मैं उनके चरण मैं जो रज करता हूं। या साम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्, जो तीनों लोकों को पावन करती है। उद्धव का ज्ञान प्रेम में परिवर्तन। देखो ज्ञान भक्ति में ज्यादा भेद नहीं है, मगर ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, कृपाण की धार है, मगर प्रेम प्रेम है। इसलिए ऊधो सूदो है चलो सुने
के बैन ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल।